हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्टूबर का महीना बस खत्म होने वाला था। हल्की हल्की धूप सभी को अच्छी लगने लगी थी। ऐसे में सुलोचना अपने टूटे हुए संदूक से कुछ फटे पुराने कंबल निकालकर उन्हें धूप में सुखाने डालती है। तभी वहाँ पर उसका पति किशोर आकर कहता है, अरे सुलोचना क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, बस सर्दियाँ आ रही हैं तो उसी के लिए थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, कपड़ों को धूप लगवा रही हूँ। ठीक है। सुनिए जी, कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ कहो ना। वो बात ये है कि जो भी कंबल रजाई थे हमारे पास वो फट चुके हैं, इस बार एक नई रजाई या कंबल लेना होगा। ठीक है सुलोचना, मैं करता हूँ कुछ, इस सर्दियाँ कुछ ना कुछ नया ले लेंगे। जी ठीक है, चलिए मुन्नी के आने का टाइम हो गया है, खाना लगा लेते हैं फिर सब साथ बैठ कर खाएंगे। सुलोचना की बात सुनकर किशोर जल्दी से जमीन पर चादर बिछा देता है और सुलोचना जल्दी से उस पर दाल चावल बर्तन में डालकर रख देती है। तभी वहाँ उनकी बेटी मुन्नी आती है और कहती है, अरे वाह माँ बाबा, आपने खाना लगा कर रखा है, मुझे बड़ी भूख लग रही थी। हाँ बेटा आजा आजा खा ले। हाँ माँ, सर्दी आ रही है, आपको पता है रात में मुझे बहुत सर्दी लगती है, आप ना मेरे गर्म कपड़े निकाल देना। हाँ हाँ बेटा निकाल दूंगी, तू अभी आराम से खाना खा ले। अपनी माँ की बात सुनकर मुन्नी जल्दी से खाना खाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और सर्दियाँ आ जाती है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। ऐसे में एक सुबह जब मुन्नी जागती है तो वो अपने हाथों को रगड़ती हुई चूल्हे के पास काम कर रही अपनी माँ सुलोचना के पास आकर कहती है, माँ। अरे मुन्नी क्या हुआ? वो माँ रात को ना बहुत ठंडी लग रही थी और जो कंबल आपने दिया था ना उसमें भी छेद था और जमीन भी बहुत ठंडी थी। हाय मेरी बच्ची, बेटा माफ कर दे, क्या करे, गरीबी से हाथ ऐसे बंधे हैं कि बस क्या कहूँ। तो जल्दी से चाय पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। माँ घर में एक नई रजाई या कंबल ले आओ ना, बहुत ठंड लगती है रात को, और एक बेड भी। हाँ बेटा सब लेकर आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर, अभी चाय पी ले। इतना कहकर सुलोचना मुन्नी को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। कुछ देर चूल्हे के पास बैठने के बाद मुन्नी खेलने के लिए बाहर जाती है और सुलोचना घर का काम खत्म करने के बाद घर में पड़े कुछ बेकार कपड़े निकालती है और अपनी एक बेकार हो चुकी साड़ी को निकालती है, जिसके बाद वो हाथ से उस साड़ी का एक कवर सिल देती है और उसमें पुराने कपड़े भरकर एक बिछोना बनाती है। शाम को जैसे ही मुन्नी घर आती है तो सुलोचना उसे बिछोना दिखाती हुई कहती है, ले बेटा अब तुझे ठंड नहीं लगेगी, इस पर सोना अब से तू, ये मैंने तेरे लिए बनाया है। अरे माँ ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है और आरामदायक भी है। इस पर सोने से तुझे जमीन की ठंडक नहीं लगेगी बेटा। पर माँ। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गई? मुझे तो ठंड लगती है तो आपको भी तो लगती होगी, मेरे लिए तो बिछोने बना दी, लेकिन आपका और बाबा का क्या? अरे बेटा हम तो बड़े हैं, हमें कम ठंड लगती है, तू छोटी है ना, इसलिए तेरे लिए ये करना जरूरी है, चल अब बातें मत बना, बैठ कर पढ़ ले। अपनी माँ की बात सुनकर मुन्नी पढ़ने बैठ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और सर्दी बढ़ती जाती है। सुलोचना के पास जितने भी गर्म कपड़े थे वो अब उन्हें कम पड़ रहे थे। ऐसे ही एक शाम जब मुन्नी सो रही थी तभी किशोर और सुलोचना कुछ फटी हुई चादर बदन पर लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुनिए जी, सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है हम बीमार हो जाएंगे। सुलोचना तुम सही कह रही हो, इस बार कुछ ज्यादा ही सर्दी हो रही है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अपने लिए फिर भी एक पल को भूल सकते हैं, पर हमारी मुन्नी के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तुम चिंता मत करो सुलोचना, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। जैसे तैसे सर्दियों की वो रात बीत जाती है और अगले दिन किशोर कैसे ना कैसे काम करके सुलोचना को 500 रुपए ला कर देता है और कहता है, ये लो सुलोचना, इन पैसों से रजाई ले आना या फिर पुरानी रजाई में रुई डलवा लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहो। सुलोचना किशोर से पैसे लेकर रजाई वाले के पास जाती है और कुछ रजाइयां देख कर कहती है, भैया ये वाली कितने की है? ये वाली 2000 की है और वो वाली 1500 की है और वो उधर वाली सारी 3000 की है। हे भगवान इतनी महंगी, क्या हुआ, कौन सी वाली दूं? भैया कोई 500 तक की नहीं है क्या? अरे मैडम वो दिन चले गए जब गधे जलेबी खाया करते थे, आजकल 500 में चादर ही आती है, वो चाहिए तो दे दूं? नहीं भैया, देख लो अगर कोई हो तो, मैं गरीब हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। चलो थोड़ा रहम खा लेता हूँ, 1000 वाली एक रजाई है वो ले लो,
500 दे दो अभी, बाकी के कुछ दिन में दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुकानदार से रजाई लेकर सुलोचना उसे अपने सर पर रख कर घर आती है और मुन्नी उस रजाई को देखकर बहुत खुश होती है। वक्त गुजरता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में ओस गिरा करती थी, इस वजह से खाना बनाने और चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी मिल पाना मुश्किल हो गया था और गीली लकड़ी जल्दी से जलती नहीं थी। ऐसे ही एक सुबह खाना बनाते हुए सुलोचना फूकनी से चूल्हे में हवा फूकती है और खांसते हुए कहती है, हे भगवान, क्यों हर दिन हर वक्त हम गरीबों की परीक्षा लेता रहता है तू भी? हम भी तेरे भक्त हैं, अब गीली लकड़ियों में कब तक हवा फूकूं? ये जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बड़ी मुश्किल से तो इनको जमा करके लाती हूँ, अब अगर चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम गरीब क्या खाकर गुजारा करेंगे। ऐसे ही अपनी किस्मत को कोसते हुए और फूकनी से चूल्हे में हवा फूक फूक कर कैसी न कैसी सुलोचना खाना बना ही देती है। बढ़ती सर्दी के साथ साथ सुलोचना और उसके गरीब परिवार की मुसीबतें भी बढ़ती जाती है, कभी लकड़ी की समस्या तो कभी गर्म कपड़ों की समस्या। ऐसे ही एक दिन जब किशोर घर आता है तो उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर सुलोचना कहती है, जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वो सुलोचना, आज काम से घर आ रहा था तो नदी का पुल पार करते हुए मुझे एकदम चक्कर आ गया और मैं नदी में गिर गया। आसपास के कुछ लोगों ने जल्दी से पानी में कूदकर मुझे बचा लिया, तब से कपकपी बंद ही नहीं हो रही है। हे भगवान, आप बैठो, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुलोचना जल्दी से एक बाल्टी गर्म पानी लेकर आती है और किशोर के पैर उसमें डुबो देती है। तभी वहाँ मुन्नी आती है और अपने पिता को कपकपाता हुआ देखकर वो फटाफट रजाई लेकर आती है और अपने पिता को उड़ा देती है। तभी किशोर कहता है, अरे बेटा ये क्या कर रही हो, इसमें तो तुम बैठी हुई थी ना, फिर क्यों ले आई, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत बलवान हूँ, अभी मुझे नहीं बल्कि आपको इसकी जरूरत है। मुझे पता है माँ और बाबा आप बड़े हैं, पर ठंड आपको भी लगती है ना, मुझे तो आप बिछोनी पर रजाई उड़ाकर सुला देते हैं लेकिन खुद नहीं सो पाते, मुझे सब पता है। अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी सयानी हो गई है। हे भगवान, भले ही हम गरीब हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पर हमारे परिवार में प्यार है, यही बहुत है, और ये सर्दियाँ भी बस जैसे तैसे गुजर ही जाएंगी। इतना कहकर सुलोचना जल्दी से चूल्हा जलाती है, जिसके बाद सभी चूल्हे के पास बैठकर आग सेकती हैं और आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिनों में मौसम खुल जाता है और सर्दी में भी अच्छी धूप निकलने लगती है। किशोर के साथ साथ सुलोचना को भी काम मिल जाता है, जिसके बाद वो पहले की रजाई के पैसे देकर एक और रजाई खरीदती है और गरीब की सर्दियां अच्छे से बीत जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।